अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आसिम सूरी एक बार फिर आपके साथ। व्यूअर्स, अब जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो बड़ा ही क्रिटिकल है इस वक्त, जनरल पब्लिक के लिए भी, बैंक्स के लिए भी और इन्वेस्टिगेटर्स के लिए भी, और उसका नाम है बेसिकली डिजिटल फ्रॉड्स। जी हाँ, डिजिटल फ्रॉड्स का रेशियो पूरी दुनिया में बेपनाह बढ़ चुका है। उसकी रीज़न एक तो ये है कि दुनिया भर में बैंकिंग जो है वो डिजिटलाइजेशन पर जा रही है, बहुत ज़्यादा डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो रही हैं, डिजिटली बैंक्स को मूव किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी अभी कुछ अरसे कबल इसके ऊपर बड़ी रेगुलेशन आई डिजिटलाइजेशन पे कि बैंक्स को डिजिटल होना चाहिए, कस्टमर्स को गाइडेंस दें, बैंक्स अपनी प्रोडक्ट्स को डिजिटल करें, अकाउंट ओपनिंग को डिजिटल करें, ऐप्स को डेवलप करें ताकि जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटली जो है वो बैंकिंग को यूज़ कर सकें, ना कि इन पर्सन ब्रांच बैंकिंग को फेस करना पड़े, वहाँ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, टाइम का इशू, रश का इशू, सो मैनी थिंग्स। सो डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग के साथ साथ डिजिटल फ्रॉड्स भी बेशुमार हद तक बढ़ चुके हैं। अगर इसका रेशियो आप दुनिया भर में देखना चाहें तो वो इंटरनेट पे आपको अवेलेबल है, हंड्रेड्स ऑफ परसेंट जो है इसमें इंक्रीज है, बिलियंस ऑफ रुपीज़ या डॉलर्स जो हैं वो एक साल में इस डिजिटल फ्रॉड के ज़रिए जो है वो अटैम्प्ट किए जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। सो बड़ा ज़रूरी था इस टॉपिक को लेना, इस टॉपिक को आपसे डिस्कस करना। सो मैं इसकी बेसिक्स के साथ आपके साथ एंटर होंगे और आपको बताएंगे बेसिकली डेफिनेशंस क्या हैं, कौन से मेथड हैं जो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है जी। सो जो मैसेज, अल्टीमेट मैसेज है जो हो रहा है उसमें, प्लीज़ अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसकी केयर करें। ये जो डिजिटल फ्रॉड करने वाले लोग हैं ये बेसिकली आपकी बेसिक इंफॉर्मेशंस कौन कौन सी है, क्या है वो हम आपको बताएंगे, उसको लेते हैं बहुत सारी जगहों से और फिर इस फ्रॉड को अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं आपके बैंक अकाउंट्स पे और उन्हें विड्रॉल्स के लिए वहाँ से यूज़ करते हैं, फ्रॉडलेंट तरीके से आपके पैसे निकालते हैं, आपकी मनी को लूटते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। सो ये जो चीज़ है ये आपने नोट रखनी है और इंशाल्लाह ताला आपको आगे बताएंगे कि क्या चल रहा है, बट अभी हम इसकी बेसिक डेफिनेशन जो हैं वो आज आपको दिखा रहे हैं। बेसिक डेफिनेशन देख लें, इसको समझ लें कि ये डेफिनेशन क्या हैं और इनको किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, तो देन इंशाल्लाह आगे इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन पर भी बात करेंगे, ठीक है जी। सो हम बेसिकली चलते हैं एक पीपीटी की तरफ जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये जो डिजिटल फ्रॉड्स हैं इनकी क्या डेफिनेशंस हैं, किस तरीकों से ये अटेम्प्ट किए जा रहे हैं। तो मूव करते हैं एक पीपीटी की तरफ। जी जनाब, तो ये आपके सामने फिशिंग फ्रॉड की डेफिनेशन है। इसको आप सिंपली इस तरह समझ लें कि ये एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक है। ये सोशलाइज करके आपके साथ जो है वो आपको कोई झांसा देगा, झांसा देके ये आपका जो डाटा है, जो आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा है, जो आपका पर्सनल डाटा है, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो आपके अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है, जो आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, उसको लेने के लिए ये आपको फंसाएगा इस फ्रॉड में कोई फ्रॉडलेंट बंदा, और वो आपसे जो उसका ऑब्जेक्टिव होगा ये डाटा लेना है। ये इस तरह से जो इसका मोडस है वो ये है कि वो आपको किसी ईमेल के थ्रू या किसी मैसेज के थ्रू जो है वो आपको अटेम्प्ट करेगा, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कोई बड़ा खूबसूरत सा मैसेज होगा जिसमें अट्रैक्शन होगी, कोई गिफ्ट होगा, कोई तोहफा होगा, कोई लकी इनाम होगा, इस तरह की अट्रैक्शन के आप उस मैसेज, उस ईमेल की तरफ अट्रैक्ट हों और उसे खोलें। और अक्सर द रिसिपियंट इज देन ट्रिक्ड इनटू क्लिकिंग अ मैलिशियस लिंक, कोई लिंक भी भेज सकता है। जब आप उस लिंक को क्लिक कर देंगे वहीं प्रॉब्लम आएगी,
एक मेलवेयर इंस्टॉल हो जाएगा आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप के ऊपर, या आपका जो सिस्टम है मोबाइल का या लैपटॉप का वो फ्रीज हो जाएगा एज अ पार्ट ऑफ रैंसम वेयर अटैक, या आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो उसके पास कॉपी हो जाएगी, चली जाएगी, कन्वर्ट कर लेगा। सो इसका जो फिशिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो इस तरह से वो कामयाब होगा कि वो आपकी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है वो आपसे लेने की कोशिश करेगा, चाहे वो ईमेल के ज़रिए हो, चाहे वो किसी मैसेज के ज़रिए हो। उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो आपसे सोशलाइज होके आपको ऐसा कुछ दिखा के जिसमें आपके लिए अट्रैक्शन हो और आपसे आपकी ये इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। दिस इज विशिंग। अब ये जो विशिंग और स्मिशिंग है ये दोनों इट्स अ काइंड ऑफ फिशिंग। तो ये जो विशिंग है इट्स अ टाइप ऑफ फिशिंग अटैक स्कैम विच क्रिमिनल्स कॉन्टेक्ट अ पोटेंशियल विक्टिम ओवर द फोन प्रिटेंडिंग टू बी अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्राई टू कन्विंस यू टू शेयर सम पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब आप इसको विशिंग को जो है वो वी से याद रख सकते हैं। वी जो है वो वॉइस कॉल के थ्रू वो आपके पास आएगा, कोई कॉल करेगा और कॉल करके आपको कोई या तो अपनी अपना ऑर्गेनाइजेशन शो करेगा कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहा हूँ, मैं PTCL से बोल रहा हूँ, मैं फला बैंक से बोल रहा हूँ, मैं फला ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहा हूँ, और आपको बेसिकली वो झांसा देगा, आपको धोखा देगा कि आपको कोई भी धोखा, कोई इनाम का धोखा, कोई लकी ड्रॉ का धोखा, कोई गिफ्ट का धोखा, कोई पजल, इस तरह की बात करके कोई आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत उसके पास होगी, वो बता के आपको भरोसे में लेगा और लेने के बाद उस कॉल पे वो कोशिश करेगा कि आपसे आपका पर्सनल डाटा, आपकी पर्सनल ज़ाती इन्फॉर्मेशन या आपके अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन या आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके, आपके पासवर्ड, आपका पिन किसी तरह हासिल कर सके। जितनी कमज़ोर रिस्पॉन्स आप देंगे उसको, उसके लिए वो उतना स्ट्रांग होगा और वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की इस कॉल पर कोशिश करेगा। याद रखें, ज़रूरी नहीं कि ये कॉल से ही स्कैम स्टार्ट हो, हो सकता है पहले वो आपको कोई मैसेज करे, SMS करे, व्हाट्सएप करे, उसके बाद आपको वो अपनी कॉल की तरफ लेकर आए। सो ये भी एक फिशिंग की टाइप है और इसमें भी उसका जो ऑब्जेक्टिव है आपको धोखा देकर, आपको चीट कर आपसे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, बैंक इंफॉर्मेशन, कार्ड इंफॉर्मेशन हासिल करना है। नाउ दिस इज स्मिशिंग फ्रॉड। स्मिशिंग भी फिशिंग की टाइप है जैसे आपको बताया, और इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि स्मिशिंग में जो एस है तो उसमें SMS के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, शॉर्ट मैसेज के थ्रू वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा और आपको वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। बहुत सारे तरीके हैं, हम आपको आगे बताएंगे वो तरीके क्या हो सकते हैं, बट यहाँ डेफिनेशन को समझ लें कि वो आपको मैसेजिंग के थ्रू अट्रैक्ट करके अपनी तरफ, अपने ट्रस्ट में लेने की कोशिश करेगा कि ये मेरे ट्रस्ट में आ जाएं, और जब वो ट्रस्ट ले लेगा आपका, देख लेगा ट्रस्ट है, तो फिर वो आपसे ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके अकाउंट्स की, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, CNIC और अकाउंट्स और कार्ड या पासवर्ड्स, पिन, इनको लेने की कोशिश पूरी भरपूर करेगा। सो ये हैं आपकी फिशिंग और उसकी काइंड्स, जिनके ज़रिए डिजिटल फ्रॉड जो हैं वो आगे लेके जा रहे हैं फ्रॉडलेंट लोग, और इसी के थ्रू बेशुमार लोगों को लूटा जा रहा है और उनके अकाउंट्स खाली किए जा रहे हैं। जी जनाब, तो ये आपके सामने बेसिक डेफिनेशंस हमने रखी हैं। देखिए, पहला जो मैसेज है बस वो ये है मेरा कि कोई ईमेल, कोई व्हाट्सएप मैसेज, कोई SMS, कोई कॉल ऐसी जिस पे आपको डाउट हो, प्लीज़ उसे अटेम्प्ट ना करें, उसमें लगी हुई अटैचमेंट्स ना खोलें, उस पर एकदम से खुश ना हो कि प्राइज, मनी प्राइज, तोहफा, गाड़ी, घर, प्लॉट, ऐसे नहीं अट्रैक्ट होना। आपने जहन में रखना है हमेशा कि फ्रॉड हो रहा है, ठीक है जी। सो आपने तसल्ली करनी है पहले, उसको अटेम्प्ट करने से पहले, उसको खोलने से पहले, उसको देखने से पहले, कहीं ऐसा लिंक ना दबा बैठें कि आपका मोबाइल डायरेक्ट हो जाए
और आपका डाटा चला जाए, आपके डाटे के ऊपर एक्सेस आ जाए और उसमें आपकी हर चीज़ उसके पास चली जाए और उसके बाद फिर वो आपके अकाउंट्स पे अटैक करे। सो पहला मैसेज ये है प्लीज़ कि कोई कॉल आए आपसे डाटा पूछ रहा है, पर्सनल डाटा, CNIC, ये वो, पासपोर्ट, अकाउंट नंबर, बैंक का नंबर, आपका एड्रेस, ये पर्सनल चीज़ें हैं सारी, इन पर आपने कंप्रोमाइज किसी को नहीं देनी। बैंक जाना है, अगर बैंक से कॉल कह रहा आई है कि स्टेट बैंक से आई है, किसी एजेंसी से आई है, आपने बिल्कुल नहीं डरना, ये चीज़ें नहीं मांगी जा रही। बता दिया तमाम इदारों ने पाकिस्तान के कि हम कॉल्स पे, ईमेल्स पे पर्सनल डाटा नहीं कलेक्ट कर रहे, दे डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू एज अ पर्सनल डाटा इंफॉर्मेशन ऑन योर ईमेल, SMS, व्हाट्सएप, दे डोंट नीड। सो आपने किसी को ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देनी, ठीक है। बड़े प्यार से तरीके से रिफ्यूज़ करें, अगर कोई इशू है अपने बैंक से रब्ता करें, अपने बैंक को बताएं, वहां जाएं और डिस्कस करें। दिस इज द फर्स्ट मैसेज एंड द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द क्रिटिकल मैसेज, यू हैव टू लर्न अबाउट इट, अदरवाइज कोई पता नहीं कि अगले शिकार मैं और आप भी हो सकते हैं। सो अभी एहतियातन पहली चीज़ कि ये देख कर, ये समझ कर, ये पढ़ कर आपने अपनी कॉल्स को कंट्रोल करना है, अपने मैसेजेस को, अपनी ईमेल्स को, अपने हैंड्स को कंट्रोल करना है। मैसेज नहीं खोलना, अटैचमेंट नहीं खोलनी ऐसी जिस पे आपको डाउट्स हों, ठीक है जी। सो ये इनिशियल पहली आज वीलॉग थी, इंशाल्लाह इस पे आगे भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है। तो एक बार फिर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, फॉर लाइकिंग दिस चैनल, सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। सो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें फ्री लर्निंग के लिए। आसिम सूरी आपके साथ, इंशाल्लाह अगली वीलॉग के साथ जल्द हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।